गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज है 23 तारीख और मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने और रोटी बनाने, क्योंकि सब्जी में कुछ भी नहीं है। तो हस्बैंड अभी पनीर लेके आएंगे तो बनेगा। बर्तन लगा लेते हैं, क्योंकि बर्तन देखिए काफ़ी ज़्यादा टोकरे में है। तो टोकरा पहले खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पानी गर्म करूँगी, पानी पीऊँगी, फिर मैं आटा लगाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ अलग स्टाइल से पनीर, क्योंकि रोज़ मैं हमेशा बनाती थी ना, प्याज हो गया, टमाटर, इन सबको चॉप कर देती थी। आज मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले डाला है मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हींग, जीरा, उसके बाद प्याज जो कि मैंने पीस लिया था एंड उसके बाद इसमें जैसे प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, मैंने इसमें डाल दिया सारे बेसिक मसाले और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कलर आ जाए। और हस्बैंड कहते हैं ना पीली पीली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती उनको देखने में, तो थोड़ा सा मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाल दी है और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे मसाला तेल छोड़ दिया, उसके बाद मैंने डाल दिया पनीर और पानी। फिर जैसे खाना वाना बन गया था, उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे एंड उसके बाद सारे घर के काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी 10:30 हो रहे हैं, पीछे टाइम देख सकते हो 10:30 हो रहे हैं। और अभी ये देखो कपड़े कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, ये सारे कपड़े गर्मी के हैं और मैं सारे कपड़े गर्मी के निकाल रही हूँ। और जो विंटर के कपड़े हैं वो सारे मैं अभी कार्टून में डाल दूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई है। और हमारा ऊपर का फ्लोर है तो धूप से ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो बस अभी गर्म पानी भी लगा दिया है, दोनों बच्चों को नहलाऊंगी, मैं भी बात लूँगी और चले काम करते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर मैं 12 बजे के बाद बच्चों को नहीं नहलाती हूँ। तो चलिए काम करते हैं। नहीं क्या नहीं करोगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं नहाओगे? कैसे नहाओगे फिर? बबू नहाएगी। और ये तुमने बबू के ऊपर क्या रख दिया है? भैया ने गाड़ी रख दी तुम्हारे ऊपर, इतनी बड़ी गाड़ी रख दी तुम्हारे ऊपर। सो फ्रेंड्स, अब पूजा करते करते मीशो उठ गई घंटी की आवाज से, तो अभी इसको भी जय माता दी करवा देते हैं। मुझे जय माता दी करो। जय माता दी करो। आज से तुम बात नहीं करोगे? क्यों क्यों कौन से नहीं? मम्मा करेगी बात। जय माता दी कर लो। ठीक है, जय माता दी करो। हाँ जय माता दी करो जल्दी। चलो फ्रेंड्स, दोनों बच्चों ने आरती ले ली है और अब मैं जा रही हूँ दोनों बच्चों को नहलाने, क्योंकि मैं तो नहा चुकी हूँ, तो अब दोनों को नहला देती हूँ। एंड अभी भी साफ़ सफाई रहेगी ये, तो मैं सबसे पहले नहला देती हूँ 12 बजे से पहले, उसके बाद साफ़ सफाई कर दूँगी। प्रियांश मेरे पैर छू के आशीर्वाद ले रहा था, तो उसको मैं आशीर्वाद दे रही थी। वो तारक मेहता देखते ना, तो थोड़ा सा उसमें से सीख रहे। बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, अभी कपड़ा भी नहा देती हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं बात करोगे? क्यों? गुस्सा हो? ऐसे नहीं बात करोगे? मैं बात करूंगा।
मैं करूँगा बात। हाँ भैया कह रहे ऐसे बात नहीं करूंगा, तुम करोगी मीशो बात। तो फ्रेंड्स अभी रियांश नहा चुका है और उसके बाद अब मीशो की बारी है, तो मीशो नहाएगी और पहले मैं मीशो का सब कुछ लगा के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मीशो को नहलाते हैं। गरम गरम पानी है मीशो, मीशो गरम गरम पानी चुनाई में कर ली है, मीशो गरम पानी चुनाई में कर ली है ना मीशो, मीशो तुम गरम पानी चुनाई में कर ली हो बेटू, गरम गरम पानी है, गरम गरम पानी है। बच्चों के साथ ऐसे बात करते रहो ना तो बच्चा इजली नहा लेता है और क्राई भी नहीं करता है ना मीशो। और जैसे मीशो हुई थी ना उसके बाद से मैं इसको माइल्ड ही बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा भी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मीशो ठंड लग रही है, अभी बाद में कपड़े भी नहा दूंगी ना, उसके बाद से तुम कंबल डाल देना ठीक है। ठंड लग रही है, मैंने नहीं लगी, फटाफट से कपड़े पहन लो। फ्रेंड्स अब मीशो को नींद आने लग गई है क्योंकि ये सो ही नहीं थी उस टाइम, और अभी जैसे नहा लिया थोड़ा सा मैं इसको सुला देती फिट करवा के, एंड उसके बाद फिर मुझे सफाई करनी है, मेरी सफाई नहीं हुई अभी तक, तो मीशो को सुलाने के बाद फिर मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ पे बस सर्दी के कपड़े रखे जा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी सी ना गर्मी आने लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ सर्दी के कपड़े रख दूँ। और आने वाले अगले महीने से ना आपको थोड़े से अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मायके, और उसके बाद वहाँ से एक दो जगह घूमने का प्लान है। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना।